नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी परिवर्तन। चंद्रदेव ने एक दिन इस जनाकीर्ण संसार में अपने को अकस्मात ही समाज के लिए अत्यंत आवश्यक मनुष्य समझ लिया और समाज भी उसकी आवश्यकता का अनुभव करने लगा। छोटे से उपनगर में प्रयाग विश्वविद्यालय से लौटकर जब उसने अपनी ज्ञान गरिमा का प्रभाव वहां के सीधे साधे निवासियों पर डाला तो लोग आश्चर्यचकित होकर संभ्रम से उसकी ओर देखने लगे, जैसे कोई जौहरी हीरा पन्ना परखता हो। उसकी थोड़ी सी संपत्ति, बिसात खाने की दुकान और रुपयों का लेन देन और उसका शारीरिक गठन सौंदर्य का सहायक बन गया था। कुछ लोग तो आश्चर्य करते थे कि वे कहीं का जज और कलेक्टर ना होकर ये छोटी सी दुकानदारी क्यों चला रहा है, किंतु बातों में चंद्रदेव स्वतंत्र व्यवसायी की प्रशंसा के पुल बांध देता और नौकरी की नरक से उपमा दे देता। तब उसकी कर्तव्य परायणता का वास्तविक मूल्य लोगों की समझ में आ जाता। यह तो हुई बाहर की बात, भीतर अपने अंतःकरण में चंद्रदेव इस बात को अच्छी तरह तोल चुका था कि जज कलेक्टर तो क्या, वह कहीं की किरानी होने की भी क्षमता नहीं रखता था। तब थोड़ा सा विनय और त्याग का यश लेते हुए संसार के सहज लब्ध सुख को वह क्यों छोड़ दे। अध्यापकों के रटे हुए व्याख्यान उसके कानों में अभी गूंज रहे थे। पवित्रता, मलिनता, पुण्य और पाप उसके लिए गंभीर प्रश्न न थे। वे तर्कों के बल पर उनसे नित्य खिलवाड़ किया करता और भीतर घर में जो एक सुंदर स्त्री थी उसके प्रति अपने संपूर्ण असंतोष को दार्शनिक वातावरण में ढककर निर्मल वैराग्य की संसार से निर्लिप्त रहने की चर्चा भी उन भोले भोले सहयोगियों में किया ही करता। चंद्रदेव की इस प्रकृति से ऊबकर उसकी पत्नी मालती प्राय अपनी माँ के पास अधिक रहने लगी, किंतु जब लौटकर आती तो गृहस्थी में उसी कृत्रिम वैराग्य का अभिनय उसे खेला करता। चंद्रदेव 11 बजे तक दुकान का काम देखकर, गपशप लड़ाकर, उपदेश देकर और व्याख्यान सुनाकर जब घर में आता तब एक बड़ी दयनीय परिस्थिति उत्पन्न होकर उस साधारणतः सजे हुए मालती के कमरे को और भी मलिन बना देती। फिर तो मालती मुंह ढककर आंसू गिरने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती थी। यद्यपि चंद्रदेव का बाह्य आचरण उसके चरित्र के संबंध में शशंक होने का किसी को अवसर नहीं देता था, तथापि मालती अपनी चादर से ढके हुए अंधकार में अपनी सौत की कल्पना करने के लिए स्वतंत्र थी ही। वे धीरे धीरे रुगणा हो गई। एक दिन चंद्रदेव के पास बैठने वालों ने सुना कि वह कहीं बाहर जाने वाला है। दूसरे दिन चंद्रदेव की स्त्री भक्ति की चर्चा छिड़ी। सब लोग कहने लगे, चंद्रदेव कितना उदार सहृदय व्यक्ति है, स्त्री के स्वास्थ्य के लिए कौन इतना रुपया खर्च करके पहाड़ जाता है, कम से कम नगर में तो कोई भी नहीं। चंद्रदेव ने बहुत गंभीरता से मित्रों से कहा, भाई क्या करूं, मालती को जब यक्षमा हो गया है तब तो पहाड़ लिवा जाना अनिवार्य है। भाई रुपया पैसा तो आता जाता रहेगा। सब लोगों ने इसका समर्थन किया। चंद्रदेव पहाड़ चलने को प्रस्तुत हुआ। विवश होकर मालती को भी जाना ही पड़ा। लोकलाज भी तो कुछ है, और जबकि सम्मान पूर्वक पति अपना कर्तव्य पालन कर रहा हो तो स्त्री अस्वीकार कैसे कर सकती है। इस एकांत में जबकि पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे के सामने 24 घंटे रहने लगे, तब आवरण का व्यापार अधिक नहीं चल सकता था। बाध्य होकर चंद्रदेव को सहायता तत्पर बनना पड़ा। सहायता में तत्पर होना सामाजिक प्राणी का जन्मसिद्ध स्वभाव, संभवतः मनुष्यता का पूर्ण निदर्शन है, परंतु चंद्रदेव के पास तो दूसरा उपाय ही नहीं था। इसीलिए सहायता का बाह्य प्रदर्शन धीरे धीरे वास्तविक होने लगा। एक दिन मालती चीड़ के वृक्ष की छाया में बैठी हुई बादलों की दौड़ धूप देख रही थी और मन ही मन विचार कर रही थी चंद्रदेव के सेवा अभिनय पर। सहसा उसका जी भर आया। वह पहाड़ी रंगीन संध्या की तरह किसी मानसिक वेदना से लाल पीली हो उठी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया।
उसी समय चंद्रदेव ने, जो उससे कुछ दूर बैठा था, पुकार कर कहा, मालती मालती अब चलो ना, थक गई हो ना? वहीं सामने तो पहुंचना है, तुम्हें जल्दी हो तो चले जाओ, बूटी को भेज दो, मैं उसके साथ चली आऊंगी। अच्छा कहकर चंद्रदेव आज्ञाकारी अनुचर की तरह चला। वह तनिक भी विरोध करके अपने स्नेह प्रदर्शन में कमी करना नहीं चाहता था। मालती आविचल बैठी रही। थोड़ी देर में बूटी आई, परंतु मालती को उसके आने में विलंब समझ पड़ा। वे इसके पहले भी पहुंच सकती थी। मालती के लिए पहाड़ी युवती बूटी परिचारिका के रूप में रख ली गई थी। यह नाटी सी गोलमटोल स्त्री गेंद की तरह उछलती चलती थी, बात बात पर हंसती और फिर उस हंसी को छिपाने का प्रयत्न करती रहती। बूटी ने कहा, चलिए अब तो किरणें डूब रही हैं और मुझे भी काम निपटाकर छुट्टी पर जाना है। छुट्टी? आश्चर्य से झल्लाकर मालती ने कहा, हाँ हाँ अब मैं काम ना करूंगी। क्यों, तुझे क्या हो गया बूटी? मेरा ब्याह इसी महीने में हो जाएगा, कहते हुए उस स्वतंत्र युवती ने हंस दिया। वन की हिरणी अपने आप जाल में फंसने को क्यों जा रही है? मालती को आश्चर्य हुआ। उसने चलते चलते पूछा, भला तुझे दूल्हा कहाँ मिल गया? ओहो तब आप क्या जाने कि हम लोगों के ब्याह की बात पक्की हुए 8 बरस हो गए। नीलधर चला गया था लखनऊ कमाने और मैंने भी हर साल यही नौकरी करके यही 500 रुपये बचा लिए हैं। अब वह भी 1000 और गहने लेकर परसों पहुंच जाएगा। फिर हम लोग ऊंचे पहाड़ पर अपने गांव में चले जाएंगे। अब वहीं हम लोगों का घर बसेगा, खेती कर लूंगी, बाल बच्चों के लिए भी तो कुछ चाहिए, फिर चाहिए बुढ़ापे के लिए, जो इन पहाड़ों में कष्टपूर्ण जीवन यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह प्रसन्नता से बातें करती उछलती हुई चली जा रही थी और मालती हाँफने लगी थी। मालती ने कहा, अरे तो तू क्यों दौड़ी जा रही है? अभी ही तेरा दूल्हा नहीं मिला जा रहा है। कमरे में दोनों ओर पलंग बिछे थे। मच्छरदानी में दो व्यक्ति सोने का अभिनय कर रहे थे। चंद्रदेव सोच रहे थे, यह बूटी अपनी कमाई से घर बसाने जा रही है, कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा इन दोनों लोगों में। और मालती बिना कुछ हाथ पैर हिलाए डुलाए अपनी संपूर्ण शक्ति से निष्क्रिय प्रतिरोध करती हुई सुखभोग करने पर भी असंतुष्ट। चंद्रदेव था तार्किक। वह सोचने लगा, तब क्या मुझे इसे प्रसन्न करने की चेष्टा छोड़ देनी चाहिए? मरे चाहे जिए, मैंने क्या नहीं किया इसके लिए? फिर भी बोहें चढ़ी ही रही तो मैं क्या करूं, मुझे क्या मिलता है इस हृदयहीन बोझ को ढोने से? बस अब मैं घर चलूंगा। फिर मालती के बाद एक दूसरी स्त्री, अरे वह कितनी आज्ञाकारिणी, किंतु क्या यह मर जाएगी? मनुष्य कितना स्वार्थी है, फिर मैं ही क्यों नहीं मर जाऊं? किंतु पहले कौन मरे? मेरे मर जाने पर वह जीती रहेगी, इसके लिए लोग कितने तरह के कलंक, कितनी बुराई की बातें सोचेंगे, और यही जाने क्या कर बैठे। तब इसे तो लज्जित होना ही पड़ेगा, मुझे भी स्वर्ग में कितना अपमान भोगना पड़ेगा। मालती के मरने के बाद लोक अपवाद से मुक्त मैं दूसरा ब्याह करूंगा और पतिव्रता मालती स्वर्ग में ही मेरी शुभकामना करेगी, तो फिर यही ठीक रहा। मान की रक्षा के लिए लोग कितने बड़े बड़े बलिदान कर चुके हैं, क्या मैं उनका अनुकरण नहीं कर सकता? मालती सम्मान की वेदी पर बलि चढ़े, वही पहले मरे फिर देखा जाएगा। राम की तरह एक पत्नी व्रत कर सकूंगा तो कर लूंगा, नहीं तो। चंद्रदेव की खुली आंखों के सामने मच्छरदानी के जालीदार कपड़े पर एक चित्र खिंचा। एक युवती मुस्कुराई हुई चाय की प्याली बढ़ा रही थी। चंद्रदेव ने ना पीने की सूचना पहले ही दे दी थी, फिर भी उसके अनुनय में बड़ी तरावट थी। उस युवती के रोम रोम कहते थे, ले लो। चंद्रदेव ये स्वप्न देखकर निश्चिंत सो गया। उसने अपने बनावटी उपचार का सेवा भाव का अंत कर लिया था। दूसरी मच्छरदानी में थकी हुई मालती थी। सोने के पहले उसे अपने ही ऊपर रोष आ गया था। वह क्यों ना ऐसी हुई कि चंद्रदेव उसके चरणों में लौटता
उसके मान को, उसके प्रणय रोष को धीरे धीरे सहलाया करता, तब क्या वैसी होने की चेष्टा करे? किंतु अब करके क्या होगा? जब यौवन का उल्लास था, कुसुम में मकरंद था, चांदनी पर मेघ की छाया ना थी, तब ना कर सकी तो अब क्या? बूटी साधारण मजदूरी करके स्वस्थ सुंदर आकर्षण और आदर की पात्र बन सकती है। उसका यौवन ढालवे पथ की ओर मुंह किए है, फिर भी उसमें कितना उल्लास है। यह आत्मविश्वास, यही तो जीवन है। किंतु क्या मैं पा सकती हूँ? क्या मेरे अंग फिर से गुदगुदे हो जाएंगे? लाली दौड़ आवेगी, हृदय में उच्च श्रृंखल उल्लास, हंसी से भरा आनंद नाचने लगेगा। उसने एक बार अपने दुर्बल हाथों को उठाकर देखा कि चूड़ियां कलाई से बहुत नीचे खिसक आई थी। सहसा उसे स्मरण हुआ कि वह बूटी से अभी 2 बरस छोटी है। 2 बरस में वह स्वस्थ सुंदर हृष्टपुष्ट और हसमुख हो सकती है, होकर रहेगी। वह मरेगी नहीं, ना कभी नहीं। चंद्रदेव को दूसरे का ना होने देगी। विचार करते करते फिर सो गई। सवेरे दोनों मच्छरदानियां उठी। चंद्रदेव ने मालती को देखा, वह प्रसन्न थी। उसके कपोलों का रंग बदल गया था। उसे भ्रम हुआ, क्या? उसने आंखें मिचमिचाकर फिर देखा। इस क्रिया पर मालती हंस पड़ी। चंद्रदेव झल्लाकर उठ बैठा। वह कहना चाहता था कि मैं चलना चाहता हूँ, रुपए का अभाव है, कब तक यहाँ पहाड़ पर पड़ा रहूँगा? तुम्हारा अच्छा होना असंभव है। मजूरनी भी छोड़कर चली गई। और भी अनेक असुविधाएं हैं, मैं तो चलूंगा। परंतु वह कह ना पाया, कुछ सोच रहा था, निष्ठुर प्रहार करने में हिचक रहा था। सहसा मालती पास चली आई, मच्छरदानी उठाकर मुस्कुराती हुई बोली, चलो चलो घर चलें, अब तो मैं अच्छी हूं। चंद्रदेव ने आश्चर्य से देखा कि मालती दुर्बल है, किंतु रोग के लक्षण नहीं रहे। उसके अंग अंग पर स्वाभाविक रंग प्रसन्नता बनकर खेल रहा था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।